हेलो माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन मैंने आपको समझाया था, उसके कुछ एग्जांपल भी बताए थे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के मोस्टली मैंने आपको एग्जांपल बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम में, लाइक नायलॉन 6, 6, 6, इसके अलावा बाकेलाइट, डेक्रॉन एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। आज मैं आपको थर्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगी, दैट इज को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। को पॉलीमराइजेशन को जॉइंट पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो जो उसके बाद बनता है पॉलीमर वो कहलाता है जॉइंट पॉलीमर या को पॉलीमर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज को पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन एंड को पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस सिमिलैरिटी ये है, पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही दो या दो से ज्यादा मोनोमर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उसमें कंडेंस्ड हो रहे थे और इसमें क्या हो रहे थे, जॉइंट हो रहे हैं। लेकिन जब उसमें कंडेंस हो रहे थे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, तो वहां वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया या HCl कुछ सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज होते थे, बट इसमें जॉइंट होते हैं। जो मोनोमर हमने लिया है, दो या दो से ज्यादा मोनोमर लिया है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाते हैं और जॉइंट होके एक नया पॉलीमर बनाते हैं जिसमें कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। सो वॉट इज को पॉलीमराइजेशन, इसके लिए लिख लीजिए, इट इज जॉइंट पॉलीमराइजेशन, इट इज जॉइंट पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स, इट इज जॉइंट पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर एंड मोनोमर स्पीशीज, लिख लीजिए या यूनिट भी लिख सकते हैं, मोनोमर स्पीशीज एंड इट यूजुअली लीड्स टू हाई मॉलिक्यूलर वेट, WIGST वेट कंपाउंड। इन दिस पॉलीमराइजेशन देयर इज नो एनी हम लिख सकते हैं, दिस पॉलीमराइजेशन देयर इज नो एनी सिंपल मॉलिक्यूल, विल रिलीज। क्या है ये जॉइंट पॉलीमराइजेशन है, किसका, दो या दो से ज्यादा मोनोमर का। ये कैसे होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। को पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं वो दो हैं, एक एग्जांपल है इसमें ब्यूना एस रबड़ बोलते हैं इसको, ब्यूना एस रबड़, और दूसरा एग्जांपल है इसका ब्यूना एन रबड़। ब्यूना एस रबड़ एंड ब्यूना एन रबड़ इज एन एग्जांपल ऑफ को पॉलीमराइजेशन। इसके अलावा ब्यूना एस और ब्यूना एन सिंथेटिक रबड़ का भी एग्जांपल है, सिंथेटिक रबड़ का भी एग्जांपल है। हम आगे जब नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे तो उसमें मैं आपको रबड़ पढ़ाऊंगी, तो सिंथेटिक रबड़ के बारे में बताया जाएगा। अभी हम को पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं, को पॉलीमराइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ब्यूना एस रबड़ एंड ब्यूना एन रबड़। सो तो फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, ब्यूना एस इज एन एग्जांपल ऑफ को पॉलीमराइजेशन। ब्यूना एस को हम SBR भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SBR,
SBR का मतलब होता है स्टाइरीन ब्यूटा डाइईन, स्टाइरीन ब्यूटा डाइईन रबड़। इसके अलावा एक नाम और बोलते हैं GR-S। GR इज अ ग्रेवियर साइंटिस्ट के नाम पे था, एस एस स्टाइरीन रबड़, तो GRS रबड़ बोला भी जाता है, स्टाइरीन रबड़ या SBR स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़ या ब्यूना एस रबड़। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना एस रबड़, आपको देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि आप SBR में देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो चीज दिखाई पड़ी, एक स्टाइरीन नाम आ रहा है और एक ब्यूटाडाइईन नाम आ रहा है। और हम जानते भी हैं कि कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो यहाँ दो मोनोमर हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हम जो इसमें तैयारी लिखेंगे उसको इस तरीके से लिखेंगे कि स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़ में फर्स्ट इज क्या है 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो यू विल राइट SBR इज प्रिपेयर्ड बाय द joint polymerization of butadiene में हम 1,3 butadiene लेते हैं, 1,3 butadiene and styrene monomer। clear है? In the presence of sodium catalyst, कैसे बनता है styrene butadiene rubber? It is prepared by the joint polymerization of 1,3 butadiene. क्या है 1,3 butadiene है और styrene monomer, ये दोनों जब आपस में जॉइंट होते हैं तो बनता है क्या ब्यूना एस रबड़। अब ये कैसे होता है तो देखिए 1,3 ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यहां लगाया N नंबर ऑफ मोनोमर में 1,3 देखिए तो 1 एंड 3 पोजिशन पे क्लियर है ईन दिख रहा है डबल बॉन्ड है 1,3 ब्यूटा मैट एट प्रोब्यूट ब्यूटा डाइईन ये मोनोमर है हमारा का रिएक्शन हुआ स्टाइरीन से स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 यहां N लगा लीजिए नंबर ऑफ मोनोमर यहां C6H5 भी लिख सकते हैं या आप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं मैंने क्या लिखा आपके सामने C6H5 we will write here C6H5 ये स्टाइरीन हो गया हमारा स्टाइरीन मोनोमर ओके सोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कैटलिस्ट कोपॉलीमराइजेशन हुआ मैंने आपको क्या बताया इट इज अ जॉइंट पॉलीमर ये आपस में पूरे क्या हो जाएंगे जॉइंट हो जाएंगे सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कहां डबल बॉन्ड और कहां सिंगल बॉन्ड लग रहा है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी के अंदर चार बॉन्डिंग होती है पांच नहीं होती है या तीन नहीं होगी तो कहां हमें डबल बॉन्ड की जरूरत है और कहां सिंगल बॉन्ड की सिर्फ ये ध्यान देना है तो ये CH2 ऐसे लिखा हमने देखा कि यहाँ पे एक बॉन्डिंग आ गई जो कि यहां नहीं थी जब यहां आ गई तो यहां से हट जाएगा CH2CH जब यहां से हट गया तो यहां बढ़ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये तो हो गया अब इसमें इधर जोड़ा हमने अगेन सिंगल बॉन्ड CH2 देन ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH C6H5 यहां लगाया होल N और इधर लगाई हुआ है तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ CH सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ देन CH
डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ, देन CH2, देन CH2, देन CH एंड देन C6H5. ये पूरे के पूरे क्या हो गए? जॉइंट हो गए. इसको बोलते हैं SBR या ब्यूना एस रबर. दिस इज अ पॉलीमर, दिस इज अ को पॉलीमर. कौन सा पॉलीमर है ये? को पॉलीमर है. तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ SBR या ब्यूना एस रबर. आपको समझ में आ गया होगा ब्यूना एस रबर बनता है किससे? 1,3-butadiene एंड स्टाइरीन जब आपस में जॉइंट होते हैं, जॉइंट होते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और को पॉलीमराइजेशन होता है, तब ये आपस में पूरे जॉइंट होने के बाद बनते हैं क्या? SBR. हमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ध्यान रखना है कि वेयर कार्बन की बॉन्डिंग 4 ही होती है, तो 4 पे ध्यान देंगे हम लोग कि किस तरीके से बन रहा है. दिस इज SBR. इसको बोलते हैं ब्यूना एस रबर. ब्यूना एस का जो यूजेस है, मोटर टायर्स में हम यूज करते हैं, जितने भी टायर्स होते हैं. इसके अलावा गास्केट, आप गास्केट जानते हो, कुकर में गास्केट लगता है, रेफ्रिजरेटर में भी साइड में गास्केट लगे होते हैं जो सीलिंग का काम करते हैं, गास्केट्स में भी यूज किया जाता है किसका? ब्यूना एस रबर का. इसके अलावा जो ये शू सोल्स में भी यूज करते हैं, किसमें? ब्यूना एस रबर को शू सोल्स में यूज किया जाता है. वायर एंड केबल के इंसुलेशन में भी किसको यूज करते हैं? ब्यूना एस रबर को यूज करते हैं. यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू सो मच.